शिव शंभु सरस्वती जय नमस्तुते 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 माँ भद्रकाली जय काली माँ सरस्वती नमस्तुते नमस्तुते। मम्मी देखो ना, कविता ने मेरी शर्ट फिर से खराब कर दी। इसमें इतने परेशान होने वाली कौन सी बात है? पहले ही 3-4 कमीज खराब करके आई है और चौथी भी खराब कर लाई, कब तक खराब करती रहेगी? आप साफ तो कर दोगे पर ये नीला नीला थोड़ा ना जाएगा। परेशान मत हो, मैं साफ कर दूंगी, बहुत अच्छे से साफ कर दूंगी, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ तो और नहीं दिला देंगे ना, 3 पहले दिला चुके हैं, चौथी और दिला देंगे। सब कुछ इसी के लिए कर रहा हूँ मैं, मेरी टांग टूट गई है, इसी हालत में मैं घर घर जाता हूँ पूजा पाठ करने के लिए, इसी के लिए तो जा रहा हूँ। ये सब इसी के लिए तो कमाया है, ये भर दो इसको, देखो। अगर मुझे पता होता ना कि ये पेट में था, मैं इसको पहले ही मार देता। लो ये इसके दहेज के लिए है, लो दे दो। जीवन कभी भी आसान नहीं होता, इसके एक छोर को पकड़ो तो दूसरा छूट जाता है और दूसरे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ो तो पहला। ये कहानी भी एक ऐसे ही छोर की तलाश है जिसे ढूंढकर जिंदगी को एक नए सिरे से जिया जा सके। खोल दो। अबे खोल दो ना। भाई कहाँ बेच खाया कुंडल को? कुंडल लड़की के दहेज के लिए रखे थे, बता मुझे कहाँ बेच दिए तू? क्यों नहीं आती तेरे को समझ में? क्यों नहीं आती? घर बर्बाद कर दिया तूने सारा। जाओ ना तुम, जाओ। बेशरम शराबी नशेड़ी है तू। खोल दो ना। तुझे नहीं सब बर्बाद कर दिया, तुझे नशा कर डाला, सब कर डाला। मैं करवाती तुझे नशा। और जा ना, जा। मैं करवाती तेरे को नशा। खोल दो इसे तो, खोलो। पड़ा रे पड़ा रे। लाइयों में दवाइयों पता होता ना कि ये पेट में था, मैं इसको पहले ही मार देता। वैसी बेटा आज रुक जाती। ये जगह बिल्कुल नहीं बदली यार, एकदम वैसी की वैसी, एकदम फ्रेश। जब भी ऑफिस से आता हूं ना, यहां आता हूं तो सारी थकान मिट जाती। बड़ी सुहावनी सी जगह है ना रोहन? अब हम और साथ नहीं रह सकते। फिर से मूड स्विंग? हाँ सच में रोहन, अब हम साथ नहीं रह सकते। मजाक मत करो राशि। आई एम सीरियस रोहन, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। और तुमने क्या कहा? मैंने हाँ कर दी। हाँ कर दी? ये क्या मजाक है राशि? घर वाले कहीं भी कहेंगे तुम शादी कर लोगे, और फिर मेरा क्या? राशि
हमारा क्या हा? रोहन, ये मेरे लिए भी उतना आसान नहीं था। बहुत मुश्किल से मैंने ये फैसला लिया है। मैंने ये शादी नहीं की तो पापा मर जाएंगे। तो हमेशा कोसा ही तो है उन्होंने तुम्हें। मर जाते तो मर जाओ। वो पापा है मेरे, तुम उनके बारे में ऐसे चिल्लाओ मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। और मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? हाँ, एक मिनट में लात मार दी। रोहन, जिससे मेरी शादी हो रही है पापा का इलाज करवाएगा, तुम सबको एक अच्छे घर में रखेगा, तुम देख पाओगे ये सब। अब समझा। और मुझे ना, मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह दुम मिलाता भाग रहा था। अरे कुछ नहीं होता यार, ये प्यार व्यार सब फिल्मों में कहानियों में अच्छा लगता है। हर किसी को ना घुमाने के लिए कोई और, शादी के लिए कोई और चाहिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना रांची, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जैसी लड़कियां ना कभी कभी किसी की हो भी नहीं सकती। जाओ जाओ, अपने अपने पैसे वाले के साथ रहना, खुश रहो, मजे करो, लेकिन दोबारा मुझे मत दिखना। तुम भी चले गए सिर्फ अपनी बातें बताकर, और मेरी कहानी सुन के भी इग्नोर कर गए ना। लगा था तुम मुझे समझोगे, मेरी मजबूरियों का बोझ कुछ तो कम करोगे। मुझे दुख इस बात का इतना नहीं कि तुमने मुझे इतना कुछ कहा, मुझे दुख इस बात का ज्यादा है कि मैं अब तुम्हें और नहीं देख पाऊंगी। मेरा परिवार मेरे बिना नहीं जी पाएगा रोहन, ना ही मेरी शादी हो रही है और ना ही मैं कभी करूंगी। मैंने तुमसे और अपने आप से भी ऊपर अपने परिवार को चुना है। तुम अपना ख्याल रखना रोहन।